नक्सलियों में बौखला है, जमीन कमजोर होने से झुंझला है, सिमट रहा है नक्सलियों का कुनबा। जी हाँ, जिन इलाकों में पहले नक्सलियों की तूती बोलती थी, वहाँ अब वो अपनी जमीन तलाश रहे हैं। सुरक्षा बलों के आगे उनके हौसले पस्त पड़ चुके हैं, इसलिए अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए लगातार कुछ न कुछ वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को नारायणपुर में सीरियल आईडी ब्लास्ट भी इस बौखलाहट का संकेत है। अब सवाल है कि आखिर नक्सलियों में इतनी बौखलाहट क्यों है? दरअसल ये सब एक दो महीने में नहीं हुआ, बल्कि ये पिछले कुछ सालों में जन सरोकार के किए गए कामों का असर है। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस दर्जन भर अभियान चला रही है, इससे न सिर्फ विकास हो रहा है बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। खेलकूद, संवाद और पौधारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। कैंपेन का नाम भी स्थानीय बोली के हिसाब से रखा गया है। बस्तर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पिछले एक साल में करीब 680 किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़े बड़े पुल भी बन रहे हैं। स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। गाँव में नक्सलियों को पनाह कम मिल रही है। गांव से कनेक्शन कटने से जमीन कमजोर हुई। पूरे देश में एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हमारे जवान शहीद होते थे और आम नागरिक की मौतें होती थी, लेकिन लगातार उस क्षेत्र में काम करने के कारण से हमारी जो नीति है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति से चलते हुए आज उसमें काफ़ी कमी आई है। तो हमारे ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो रिपोर्ट आया है वो हमारे लिए संतोष का विषय है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे नक्सलियों के सामने में घुटना टेक दिए हैं, और नक्सलियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, वो घूम घूम करके हत्या कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पंचायत में काम करने वाले जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, और दूसरी तरफ जो आम सिविलियन है उनका मनोबल गिरा हुआ है। और मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि लगातार नक्सली गतिविधियां जो बढ़ते जा रही है, सरकार के स्पष्ट नीति नहीं होने से ये खामियाजा बस्तर के हमारे जनता भुगत रही है। कैंपेन का असर ये हो रहा है कि बड़ी संख्या में लोग मुख्य धारा में लौट रहे हैं। 550 युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। दंतेवाड़ा में 253 और सुकमा में 221 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इसी तरह मारे गए नक्सलियों के आंकड़ों पर नजर डालें, 2019 में 18, 2020 में 15, 2021 में 30 नक्सली मारे गए, तो वहीं 2019 में 282, 2020 में 212 और 2021 में 249 नक्सली पकड़े गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि स्थानीय लोगों का भरोसा खोने और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव की वजह से नक्सली नया ठिकाना तलाशने लगे हैं। चर्चा तो ये भी है कि बड़े नक्सली नेताओं को शिफ्ट कराने की तैयारी चल रही है ताकि उनकी जान बच सके। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। लाल आतंक में लगातार जो है डाउनफॉल नजर आ रहा है पूरे प्रदेश में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो आंकड़े जारी किए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बेहद संतोषजनक हैं। जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें साफ तौर पर बताया गया कि 70% नक्सली घटनाओं में कमी आई है। क्या इसका कारण विश्वास, विकास और सुरक्षा, छत्तीसगढ़ सरकार का ये नारा है जिसके चलते लगातार नक्सली घटनाओं में कमी आ रही है, या इसके कुछ और कारण हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो नक्सल अफेक्टेड जिले हैं जो बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, अब केवल जगरगुंडा के आसपास का इलाका, पूर्ति जो खुद हिडमा का इलाका है, उस इलाके को अगर छोड़ दें तो बहुत ज्यादा अब नक्सल प्रभावित इलाके बचे नहीं छत्तीसगढ़ में। तो क्या सरकार की योजनाएं काम कर रही हैं जो लगातार किसानों के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने की सरकार बात कर रही है? इसके अलावा हम अगर बात करें लघु वनोपज जो लगातार वहां खरीदी जा रही है, उसका अंतर यहां पर दिख रहा है? या फिर जो सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं फर्जी एनकाउंटर में लगातार कमी आ रही, या उसका ये बड़ा कारण हम देखने को मिल रहा है? तो फिलहाल आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वर्णिका शर्मा जी, नक्सल मामलों की जानकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं वर्णिका जी के पास ही चलता हूं। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लाल आतंक पर लगाम। वर्णिका जी, बहुत संतोषजनक लगता है जब ये खबरें आती कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कोई नक्सल वाले मामले पर है तो छत्तीसगढ़ हमारा प्रदेश है, क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं
बहुत निगेटिविटी, कई लोगों को तो ये लगता है कि हम रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो शायद नक्सली हमको गोली मार देंगे। अब वो नक्सल समस्या लगातार सिमटते जा रही है, इसका बहुत बड़ा कारण है उस इलाके में रोड मैप तैयार होना, उसका बहुत बड़ा कारण है उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क डेवलपमेंट होना, और उसका बहुत बड़ा कारण है उन आदिवासियों पर एक विश्वास जताना कि ये सरकार आपकी, प्रशासन आपका है, आप एक कदम बढ़ाइए, हम दो कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। किस तरह से देख रहे हैं जो लगातार नक्सली घटनाओं में उस पूरे इलाके में कमी आ रही है? हाँ देखिए आदित्य जी, तभी तभी किसी भी जगह में वारदातों में कमी आई है या कुछ हम देखते हैं कि जो इंसर्जेंट्स हैं उनके जो कार्यवाही है उनमें सडनली परिवर्तन देखा जाता है या उनका जो रेट है वो नोट किया जाता है, जो उनका इंसर्जेंसी रेट है, तो जब वो नोट किया जाता है और ऐसी हम खबरें सुनते हैं कि इस प्रकार की गिरावट आई है तो सीधा सीधा सरकार पे ही या तो अच्छाई के लिए भी बात उन पे लागू होती है और बुराई के लिए भी। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जब ऐसा सुने कि गिरावट आई है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है हमको कि, और ये संतोषजनक भी लगता है और लगता है कि निश्चित ही सरकार जनोन्मुखी हुई है जिसकी वजह से इस प्रकार की गिरावट देखने में मिली है। परंतु हमको ये देखना पड़ेगा कि कहा जाता है जब कोई बात होती है तो निश्चित ही वहाँ पे किसी प्रकार का धुआं होता है तो इस प्रकार की बात है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस प्रकार का ऐसा कोई भी मामला नहीं है, परंतु इसको विश्लेषण करके जमीनी स्तर पर वर्तमान में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं उन क्षेत्रों में निरंतर रूप से जाती रहती हूँ और दूर ग्रामीण अंचलों में निवास करके भी आती हूँ, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ ये गिरावट या ये जो प्रतिशत नोट किए जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, रोड से लगे क्षेत्रों में सचमुच विकास हुआ है और अच्छाई भी दिख रही है। जो मैं 2011-12 में जाती थी और अभी जाती हूँ तो देखती हूँ रोड से लगे के क्षेत्रों में वास्तव में विकास है और अच्छाई भी दिखती है मुझे। परंतु देखने में आता है ये जो वारदातों में कमी हुई है, वारदात कम हुए हैं, घट गए हैं या नक्सली खत्म होने की कगार पे हैं, तो मैं ऐसा कहूंगी अभी भी इस पे प्रश्न चिन्ह शेष है। तो प्रश्न चिन्ह इस प्रकार से शेष है कि आप जब भी माओवाद को पढ़ेंगे और डीप स्टडी करेंगे, जैसा कि आज मुझे विश्लेषक के तौर पर बिठाया गया है, तो मैं बता पाऊंगी कि माओवादी चाइना में भी इस प्रकार का जब लॉन्ग मार्च करके ग्रामीण अंचलों से वापस शहरों की ओर लौट रहे थे ना, तो उसमें कहा गया था ग्रामीण अंचलों में कि अब माओवाद पीछे हटने लगा है। तो कभी भी हम ये नहीं मान सकते कि नक्सली अपनी वारदातों में खत्म हो गए हैं या उन पे नकेल कस दी गई है। ये बिल्कुल उस प्रकार की बात है कि अब जो नक्सली हमको उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहे थे, हो सकता है अब उनका वो क्षेत्र कहीं और परिवर्तित हो गया है, वो अब किन्हीं अन्य क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत है और ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। धनंजय जी, वर्णिका जी ने जैसे कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि शहरी नेटवर्क भी लगातार बढ़ रहा है नक्सलियों का, नया कॉरिडोर बन रहा है MMC महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, बालाघाट के इलाकों में लगातार जो है नक्सलियों की आमदगी देखी जा रही है, मंडला के इलाकों में देखी जा रही है, कवर्धा से सटे इलाकों में लगातार नक्सली पाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि बस्तर में, चूंकि मैं देख रहा हूं कि कैंप हर 5 किलोमीटर के दायरे पर कैंप खुलते जा रहे हैं, एक त्रिकोणीय एक सुरक्षा घेरा वहां की फोर्स बना रही है ताकि उस इलाके से नक्सलियों को धीरे धीरे पीछे किया जाए, क्या उसके कारण अब चूंकि जगरगुंडा, पुवर्ती और मिनपा ये 3 इलाकों में मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा नक्सलियों की आमद है, बाकी अगर मैक्सिमम जगहों पर देखें तो नक्सली बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं या दबाव का कारण मान लें या उनकी कोई रणनीति नहीं मान लें, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, जब हम नक्सलवाद पर चर्चा कर रहे थे, हमको उस विषय में भी जाना होगा पीछे जाकर, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है उस दौरान दक्षिण बस्तर के 3 विकास खंड तक नक्सलवाद सीमित था। अगर उस दौरान की सरकार, जैसे 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, हालांकि इसमें राजनीतिक चर्चा मुझे नहीं करनी चाहिए, उस दौरान अगर वो 3 विकास खंड के नक्सलवाद को वहीं कुचल दिया जाता, वहीं दबा दिया जाता, तो मुझे ऐसा लगता कि छत्तीसगढ़ लाल आतंक के खौफ से दूर होता। लेकिन पता नहीं उस सरकार की मंशा क्या रही है, क्या उनमें कमियां रही है कि वो नक्सलवाद बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को अपने आगोश में ले लिया। और दुखद स्थिति यह है कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके गृह जिला भी नक्सलवाद की चपेट में आ गया। निश्चित तौर पर जो वर्णिका जी ने कहा प्रश्न लगाने की बात, तो प्रश्न लगाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि रिपोर्ट साफ साफ कह रहा है कि 70% उसमें गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो गया है या देश में नक्सलवाद खत्म हो गया है या महाराष्ट्र में नक्सलवाद खत्म हो गया है या आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद खत्म हो गया है। तो जो नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार काम करी छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी सरकार का जो एजेंडा है कि विश्वास, विकास और सुरक्षा के मापदंड से हम जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ के, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे युवा हो, चाहे पत्रकार हो, या वहाँ के आम व्यक्ति हो, किसान हो,
उनके भी जब आप जाते हैं अपने एजेंडा को लेकर, तो उसमें एक विश्वास जागता है कि ये सरकार जो हमारी सरकार है और इस सरकार के साथ चलने से हम उन सभी तकलीफों से दूर पाएंगे जो दंश नक्सलवाद का झेल रहे हैं, उससे हम दूर हो पाएंगे। और यही एक वजह है कि आप देखेंगे कि कई गांव के जो नागरिक हैं भूपेश बघेल सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ सामने आकर खड़े होने की हिम्मत जुटा पाए। उससे और एक बहुत बड़ा कारण बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नक्सली क्षेत्र में जाते हैं और चौपाल करके जनता की आवाज सुनते, जनता की बात में रखते। हमारे जवान लगातार गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं, और मुझे तो कल एक बहुत बेहद सुखद तस्वीर प्राप्त हुई कि हमारे जवान जो नक्सल खिलाफ वहाँ पे मुहिम चलाए हुए, नक्सल खिलाफ वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला महुआ बीनते हुए नजर आती है, हमारे 15 जवान उस महुआ बीनने के उस महिला को मदद करते। ये विश्वास तो जगाने का भूपेश बघेल सरकार ने किया है, उस महिला को विश्वास हो ये मेरे सुरक्षा में है, मेरी मदद करने के लिए, और निश्चित तौर पर बहुत जल्द इस विश्वास का नक्सलवाद खत्म होगा। राजीव जी, MHA की रिपोर्ट है, अब इस पे ये मत कहिएगा कि क्योंकि केंद्र ही रिपोर्ट जारी करता है, छत्तीसगढ़ सरकार रिपोर्ट नहीं जारी की है, नक्सल घटनाओं में लगातार कमी आई है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? क्योंकि आपके शासनकाल में भी हमने देखा है बड़ी बड़ी इमारतें बनी है उस DMF के फंड से, NH तक अगर आप जाएं तो विकास दिखता था, जहां आप NH के 10 मीटर इस तरफ या 10 मीटर उस तरफ जाएं आपको विकास की हकीकत मिलती थी। कितने संतुष्ट हैं इस आंकड़े से कि लगातार नक्सली घटनाओं में कमी हो रही है? देखिए, केंद्र सरकार बहुत गंभीर है, और जगदलपुर में हो या हैदराबाद में हो या जो तेलंगाना के क्षेत्रों में हो, गृहमंत्री अमित शाह जी लगातार बैठक करते रहे छत्तीसगढ़ के DGP के साथ, छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री जी, हालांकि दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बॉयकॉट किया था इस बैठक का, तो वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चाहे हरा आतंक हो, सीमा पार का आतंक हो या लाल आतंक हो, कोई भी आतंक इस देश में नहीं चलेगा, ये प्रधानमंत्री जी की भी दृढ़ इच्छा शक्ति है। उन्होंने धारा 370 को हटाया, 35A को हटाया, उसी प्रकार से पशुपति से तिरुपति तक का जो रेड कॉरिडोर है, ये एक नक्सलियों की बहुत पुरानी लंबी साजिश है कि जहां पर इस भारतवर्ष में नमक के बदले चिरौंजी का व्यापार होता था और आदिवासियों के साथ शोषण होता था, उस शोषण के खिलाफ जब आदिवासी लामबंद हो रहे थे वहां पर नक्सली आते गए। ये मैं नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार तुम्हारी सरकार, ये लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन इस शोषण के कारण सबसे पहले अगर कोई उर्वरा भूमि थी तो वो उर्वरा भूमि थी बस्तर, और उस बस्तर में जब ये लाल आतंक पसरा है तो उसको लेकर हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल सजग है। यूनिफाइड आर्म फोर्स बनी है, पैरामिलिट्री फोर्स को पूरे अधिकार दिए गए हैं कि आप जहां चाहे वहां पर इनकाउंटर करिए, तो गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है। वहीं पर हमारी सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी पुनर्वास की नीति बनाई थी, उन्होंने सलवा जुड़ूम का आंदोलन चलाया, और ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री एक गाड़ी में बैठकर नक्सलियों के मांग में चुनौती देते नजर आ रहे थे। ये बहुत सुखद स्थिति थी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उस सलवा जुड़ूम को लेकर भी बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए और अंततः उसे बंद करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है अगर नक्सल, और देखिए ये केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं, मैंने कहा पशुपति से तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर है जहां पर शोषण हो चुका है, आप देखेंगे दूसरे क्षेत्रों में नहीं है, इन्हीं क्षेत्रों में है, क्योंकि यहाँ ऐसी पृष्ठभूमि रही है जहां जल जंगल जमीन के लिए वन बंधुओं को भगाया गया, और हमारी सरकार हमेशा से वन बंधुओं के रक्षा के लिए कर संकल्प है, और इसीलिए आज जो ये आप देख रहे हैं, भगवान करे, हमेशा वर्णिका जी ने भी कहा कि हमें संतुष्ट नहीं होना है, ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से गृहमंत्री अमित शाह जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे आतंकवाद पर, और संयुक्त रूप पे जो 7 राज्य है जो इससे ज्यादा प्रभावित है, तो आने वाले समय में और सुखद परिणाम होंगे, मुझे ऐसी आशा है। कश्मीर फाइल्स अगर आपने देखी हो, तो अगर कश्मीर फाइल्स को आप ये कह रहे हैं कि बाकी दर्शकों को, पूरे भारत देश को देखना चाहिए, तो एक बार आपको सलवा जुड़ूम के कैंप भी जाकर देखना चाहिए कि आखिर उस कैंप में रह रहे लोगों का क्या हाल है। बहरहाल वर्णिका जी, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में काफी कुछ अंतर पड़ा, नक्सलियों की कमर टूटी, कैडर में बिखराव एक बड़ा कारण है, मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं पुराने नक्सली, वो डेडिकेशन नहीं है जो पुराने नक्सलियों में देखा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें शोषण की, लगातार शिकायतें हैं, लोन वर रैटू अभियान लगातार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि प्रशासन की जो योजना है उसका सीधा लाभ आदिवासी को मिल सके। दूसरा बड़ा कारण है लघु वनोपज, जो लघु वनोपज 61 के आसपास खरीदी की जा रही है, उससे कहीं ना, क्योंकि देखिए मेरे घर में अगर मैं एक आदिवासी हूं, मेरे को अगर जीवन उपार्जन के लिए अगर पैसे मेरे हाथ में होंगे, तो कोई माँ या कोई पिता क्यों चाहेगा कि उसका बेटा जो है वो नक्सल बने या नक्सलवाद में कहीं ना कहीं शामिल हो। क्या इन सब योजनाओं का ज्वाइंट रूप से फर्क दिख रहा है ग्राउंड में? हाँ आदित्य जी, आरंभ में ही मैंने जैसा कि कहा था कि योजनाएं वाकई बहुत अच्छी बन रही हैं, और सड़क से लगे के क्षेत्रों में योजनाएं पहुंची भी हैं। मैं बिल्कुल इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ या मुझे सरोकार नहीं है ऐसा नहीं कह रही हूँ,
परंतु बहुत कुछ किया है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ अंदरूनी क्षेत्रों में जहां तक आप जिनके लिए योजनाएं बनाए हैं उन क्षेत्रों में, जो अंदर के नारायणपुर के भी आप एकदम अंदर वाले, दक्षिण के अंदर वाले बेल्ट में चले जाएंगे, तो वहां पे भी योजनाओं का जो ट्रांसलेशन होता है, जो योजनाओं की समझ विकसित की जानी है एक आम जनता में कि उनके लिए इस प्रकार की योजना बनी है, वो अभी भी बहुत कुछ करना शेष रह गया है। और वो जिनके लिए योजनाएं बनी है तभी स्पार्क जनरेट होगा, जो ऊपर से नीचे आते तक के उनकी योजना उन तक पहुंचेगी। अपने को तो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजना को पहुंचाना है, एक सीमित क्षेत्र में करके संतुष्ट नहीं होना है, मेरा केवल इतना ही कहना है। और ये बात तो बहुत सुंदर है कि सरकारें सशक्त होंगी तो जो पुलिस की कार्यवाही है, इसमें मैं एक चीज एडमिट करना चाहूंगी जो यहाँ पे एक विश्लेषक के तौर पर बहुत लाजमी हो जाता है कि जब जब कम्युनिटी पुलिसिंग जिन क्षेत्रों में स्ट्रांग हुई है, मतलब कि सिविल और सिक्योरिटी का रिलेशन, एक आम जनता और सुरक्षा बलों का रिलेशन जहां पे आम जनता से मजबूत बंध बना है और वो जितना जनोन्मुखी कार्य किए हैं, तो उन उन क्षेत्रों में आप दंतेवाड़ा को उसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन उन क्षेत्रों में नक्सल भर्ती में गिरावट आई है, ये देखने की बात है। राजीव जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है ताड़मिटला कांड, एर्राबोर कांड। ताड़मिटला में तो शायद अब मैं उसकी जिक्र करूंगा तो इतने लोगों की वहां पर मौत हुई थी, इतने लोगों की निशंस हत्या हुई थी, सीधे तौर पर मैं कहूं तो। क्या ये लगातार ये नहीं लगता कि जितना अगर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आदिवासी है, विश्वास एक दिन में नहीं आता, विश्वास दो दिन में नहीं आता, विश्वास बनाने में सालों लग जाते हैं। उनको ये विश्वास हो गया था कि प्रशासन और पुलिस उनके खिलाफ है, लगातार आदिवासियों को नक्सली बताकर मार दिया जाता था, फर्जी एनकाउंटर की शिकायत तो रोजमर्रा की होगी थी, लगातार उसमें आपके बड़े बड़े पुलिस अधिकारी घेरे रहते थे। ये सब एक बड़ा कारण है वहां की जनता को प्रशासन से दूर करना, ये मानते हैं, एडमिट करते हैं कि ये गलतियां पिछले 15 साल की सरकार में हुई थी। ये देखिए, सेना के ऊपर चाहे वो बटाला एनकाउंटर पे सेना पे आरोप लगा दीजिए या नक्सलियों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर आरोप लगा दीजिए, कभी भी अर्धसैनिक बल पे और सेना पे ऐसे आरोप लगा देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग दिन रात जंगल में चाहे मच्छरों मलेरिया से लड़ते हैं और गोलियों से लड़ते हैं, और उनके ऊपर आरोप लगा देना, देखिए ये इंटेलिजेंस की चूक। इस सरकार में भी अभी भी 3 दिन पहले 3 सिपाहियों की मौत हुई है, अभी कुछ दिन पहले आंदोलन चल रहा था, सरकार ने कह दिया कि वो ग्रामीण नहीं थे, नक्सलाइट थे। देखिए ये चूंकि ये सीमा पार का आतंकवाद नहीं है, अंदर का आतंकवाद है, इसमें समझना बड़ा मुश्किल रहता है कि कौन नक्सली है, या नक्सली समझते हैं कि पुलिस के मुखबिर है, उनके बीच जो ये लड़ाई होती है, लोग मारे जाते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन कभी मैं ये एडमिट नहीं करूंगा, ना किसी को एडमिट करवाना चाहिए कि जो घटना हुआ उसकी पोल खोलो और उन सैनिकों को, उन अफसरों को आप सूली पे चढ़ा दो। ये पहले होता था कश्मीर में भी, जो लोग ऑपरेशन करते थे उनको बाद में कोर्ट ऑफ मार्शल होता था, उनकी इंक्वायरी होती थी, वो जेल में चले जाते थे। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा नीतिगत निर्णय है कि सेना के जवान हो या पुलिस के जवान हो या पैरामिलिट्री की फोर्स के लोग हैं, उनको कभी दंडित नहीं किया जाएगा। देखिए इंटेलिजेंस की गलती होती है, कभी कभी ग्रामीण मारे जाते हैं। अब दुखद तो यह है कि मर कौन रहा है, बस्तर का आम आदमी मर रहा था इसके पहले भी, जो पुलिस वाले मरते थे वो भी बस्तर के स्थानीय लोग थे, जो नक्सली मारते थे वो भी ग्रामीण लोग मरते थे। पर आज यह स्थिति है कि जो 15 साल की हमारी मेहनत है, ये 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ, ये लगातार जो मेहनत की गई, मैं तो दोनों सरकार को श्रेय देता हूं, इस सरकार ने भी काम किया होगा, लेकिन 15 साल में जो डॉक्टर रमन सिंह ने जो लगातार मेहनत किया है, जो उसके विशेषज्ञ बुलाए, जो लाइवलीहुड कॉलेज खोले गए, जो नक्सलाइट पीड़ित बच्चों के लिए जो हॉस्टल्स खोले गए, उनके लिए जो पुनर्वास की कोशिश की गई, तो ये जो कोशिश थी एक दिन में परिणाम नहीं आता। जैसे किसी कैंसर का इलाज होता है, गोली से भी होता है, केमोथेरेपी से भी होता है, और फिर उसका कीमो भी की जाती है, उसी प्रकार ये जो लाल आतंक है, इस लाल आतंक की लड़ाई में हमको गोली भी चलानी पड़ेगी, पुनर्वास भी चलाने पड़ेंगे, और उनका मन बदलने के लिए उनके साथ समझौते करने पड़ेंगे, राउंड टेबल टॉक करना पड़ेगा। और नहीं तो देखिए हर आतंक का एक अंत होता है, इस लाल आतंक का भी अंत आने वाला है। हालांकि राजीव जी बहुत मुश्किल होता है, कम से कम ये सरकार मान तो रही कि नारायणपुर में फर्जी एनकाउंटर हुआ, नहीं तो पिछली सरकार तो मानने को तैयार नहीं होती थी कि कहीं पर कोई फर्जी एनकाउंटर होता भी है। बहरहाल धनंजय जी, फर्जी एनकाउंटरों में थोड़ी सी कमी दिख रही है, नारायणपुर में फर्जी एनकाउंटर जरूर एक दाग है आपकी सरकार में भी, सरेंडर में हालांकि काफी कमी आई है। एक बड़ा कारण इसमें ये देखने को सामने आ रहा है कि एसपी और कलेक्टर जो पहले लेफ्ट और राइट भागते थे, इस सरकार में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि वर्णिका जी ने कहा, सिविक एक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको उस इलाकों में मदद मिलेगी, क्योंकि जनता का विश्वास जब तक आपकी सरकार में नहीं आएगा, और
इससे निश्चित तौर पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कमी आई है, तो इसमें अब सतत प्रक्रिया है, आपको आगे भी लगातार बढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, उन इलाकों के लोगों में अभी भी विश्वास की कमी है, वो विश्वास को जगाने के लिए बहुत कुछ करना फिलहाल अभी भी बाकी है। धनंजय जी, देखिए माधव जी, मैंने पहले कहा ना कि मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी जब नक्सलवाद को खत्म करने की बात की, उन्होंने पहले शब्द कहा कि विश्वास, फिर कहा उन्होंने विकास, फिर कहा उन्होंने सुरक्षा। निश्चित तौर पर 15 साल में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उस दौरान की जो सरकार रही, उनकी जो एक प्रकाश का उस दौरान जो उन्होंने अत्याचार देखा, कई आदिवासी, निर्दोष आदिवासी को नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया। आज भी गृह मंत्रालय की हमारी जब बैठक हुई, उसमें देखेंगे 612 प्रकरणों में 872 लोगों की रिहाई उसमें हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। एडमिटर कांड कर लूँ, सारखेगुड़ा कांड की बात कर लूँ मैं, चाहे मदनवाड़ा कांड की बात कर लूँ, बहुत सारे ऐसे फर्जी उस समय घटनाएं हुई थी, मीना खलको की बात कर लूँ मैं, या बहुत सारी जो आदिवासी बालिकाओं के साथ जो वहाँ पे रेप की घटनाएं हुई थी। भाई आपको विश्वास पैदा करना है कि ये सरकार आपकी है, ये सुरक्षा बल आपका है, वही हमारी सरकार कर रही है। और मैंने कहा ना, जो प्रभावित क्षेत्र की जनता है, जब तक आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उसके विश्वास हासिल नहीं करेंगे, तब तक आप नक्सलवाद से नहीं लड़ सकते। हमारी सरकार विश्वास अर्जित करने में आगे बढ़ चुकी है, इसलिए नक्सलवाद में आज ग्राफ गिरा हुआ है। और जो 15 साल सरकार में थे, मैंने कहा ना कि 3 विकास खंडों में जो नक्सलवाद था वो 14 जिलों तक पहुंच चुका है। स्वाभाविक सी बात है, नक्सलवाद को लेकर उनके पास कोई योजना नहीं थी। और उस दौरान तो वो भी आता है जो पंजाब के जो केपीएस गिल जी थे, स्वर्गीय हो चुके, उन्होंने कहा जब नक्सलवाद को लेकर यहाँ पे आए थे, क्या कहा थे, अब वेतन लीजिए मौज करे, तो उनके पास तो नक्सलवाद खत्म करने के लिए कोई ठोस योजना थी नहीं। पंडित जी, सरकार में क्या नक्सलवाद में कमी आई, इसका बड़ा ये कारण है कि ना मैं आपकी तरफ बढ़ू ना आप मेरे तरफ बढ़िए, ये एक बड़ा कारण है कि ना आप नक्सलियों को हम, क्योंकि फोर्सेस बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ रही, ये कुछ सालों में मैंने देखा है, पिछले 3 सालों में जो एग्रेशन दिख रहा था, लास्ट 15 सालों में, लास्ट में देख लूं 3 सालों में 2015 से 18 के बीच, वो एग्रेशन कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है, फोर्सेस का मनोबल गिरता है, सब चीजों से क्या लगता है आपको? जी देखिए, पिछली सरकार या सरकार परिवर्तन के ठीक थोड़े दिन पहले की बात करेंगे, आदित्य जी आपके साथ कार्यक्रम में भी थे हम, कि प्रहार 1-2-3 बैक टू बैक ऑपरेशन चल रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज जान लेना जरूरी है कि हम मिलिट्री की भाषा में या सैन्य की भाषा में कहते हैं ऑपरेशंस, हम नक्सलवाद में कमी आई है कह रहे हैं या नक्सल वारदात में कमी आई है कह रहे हैं। यदि नक्सलवाद में कमी आई है, ये आपका प्रश्न होगा, तो मेरा उत्तर होगा नहीं। अभी शिफ्टिंग ऑफ ऑपरेशंस हो गया है, पहले गन ऑपरेशन था, अब ब्रेन ऑपरेशन हो गया है। गन ऑपरेशन धूर नक्सलवादी क्षेत्रों में, जिसको ऐसा कहना भी मुझे उचित नहीं लग रहा है, धूर अंदरूनी जनजातीय क्षेत्रों में है, तो ब्रेन ऑपरेशन मैदानी या शहरी क्षेत्रों में है। अब यदि आप ये पूछेंगे कि नक्सली वारदात में कमी आई है, तो हो सकता है आंकड़े तो बकायदा पुख्ता ही लिए गए होंगे। तो वारदात के लिए दो चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि वारदात में कमी आई है या नहीं आई है, इसका यदि हम चेकलिस्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले कितनी वारदातों की रिपोर्टिंग थाने में हुई है, एक चक्रव्यूह मूवी आप सभी याद कर सकते हैं। दूसरी बात यह आ जाती है कि यदि वारदात हुई है या वारदात हो रही है, तो मुठभेड़ कितनी हुई है या हम ऑपरेशंस कितने कर रहे हैं उस क्षेत्र में। अभी सिलगेर का भी देख सकते हैं, वहां पे नया कैंप लगने वाला था, उस पे बैन हो गया, तो कई सारे क्षेत्रों में अभी नए कैंप या जो सुरक्षा अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जानी थी वो भी नहीं हो रहे हैं। दूसरा एक हम वेल कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं कि अर्धसैनिक बल केवल और केवल ऑपरेशंस के लिए होते हैं, जबकि उन क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल होने से वो विकासात्मक कार्यों पे भी समांतर रुचि लेते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात बहुत साफ है कि लाल आतंक पर लगाम लग रही है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होती, उसके लिए लगातार सरकार को उन इलाकों में जाना पड़ेगा, प्रशासन को अपनी पहुंच और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो आदिवासी जब तक आप पर विश्वास नहीं करेगा, अपने प्रशासन को वो अपना प्रशासन नहीं समझेगा, जब तक लाल आतंक पर लगाम नहीं निकल लग सकती। सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ों में जरूर कमी आई है, लेकिन इन आंकड़ों में कमी को देखते हुए सरकार को अभी भी बहुत कुछ प्रयास करने की उन इलाकों में फिलहाल जरूरत महसूस की जा रही है। आज की चर्चा में आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।